लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। और बिटकॉइन से जुड़ी कंपनियां और एक्सचेंज इनकम टैक्स टीम के रडार पर आ गए हैं, और आज बिटकॉइन से जुड़ी कंपनियों और एक्सचेंजों पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्वे किया है और इसमें टैक्स चोरी की जांच हो रही है। विस्तार से इस खबर पर बात करते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये समझाएं कि टैक्स विभाग की बिटकॉइन सख्ती से जो अब जांच चल रही है टैक्स विभाग की, फिलहाल उसको लेके ताजा अपडेट क्या है? देखिए, दरअसल सुबह से देश भर के 9 अलग अलग एक्सचेंज में जहां पे बिटकॉइन या किसी वर्चुअल करेंसी की ट्रेडिंग होती है, वहां पे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और एक सर्वे ऑपरेशन किया जा रहा है। इस सर्वे ऑपरेशन में 3 बातों का खास ध्यान रखा जा रहा है, या फिर कहें इन एक्सचेंज के जरिए 3 अहम जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। पहली जानकारी ये कि बिटकॉइन या फिर दूसरी वर्चुअल करेंसी में जो निवेश कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा जो निवेश करने वाले हैं वो लोग आखिर कौन है जो बिटकॉइन या दूसरी वर्चुअल करेंसी में निवेश कर रहे हैं। लेकिन तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिटकॉइन में पैसा लगाने के बाद उनको जो भी आमदनी हो रही है, क्या उस आमदनी पर वो टैक्स चुका रहे हैं या नहीं चुका रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी टैक्स से बचने का एक नया जरिया बनता जा रहा है, यही इस पूरे सर्वे ऑपरेशन का खास मकसद है। ये देश भर के 9 एक्सचेंज में चल रहा है सर्वे, और ये आज शाम तक सर्वे अंत खत्म होगा और उसके बाद सरकार इसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि बिटकॉइन आखिरकार कहीं टैक्स चोरी का जरिया तो नहीं बना है, इसके लिए पैसा लगाने वाले कौन है और पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है कि बिटकॉइन को सरकार ने कानूनी दर्जा दिया है या फिर कानूनी दर्जा नहीं दिया है। सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि पैसा जो आ रहा है ये सही तरीके से आ रहा है और उससे होने वाली आमदनी पर टैक्स चुकाया जा रहा है कि नहीं टैक्स चुकाया जा रहा है। और टैक्स को लेकर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल साफ है कि बिटकॉइन से होने वाली आमदनी 2 कैटेगरी मानी जाएगी, एक तो बिजनेस इनकम की कैटेगरी, दूसरी होगी यहाँ पे कैपिटल गेंस की कैटेगरी में। चीज यहाँ आपसे समझना चाहेंगे कि बिटकॉइन पर टैक्स की निगरानी को लेकर जो कमिटी बनाई गई है उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ खास निकल कर आया है वहां से? देखिए, अभी वो कमेटी बनाई गई है, कमेटी देखेगी कि किन किन नज़रिए से टैक्स की देनदारी किस तरीके से बनती है और इसमें इनकम टैक्स से जुड़े दूसरे टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनसे जुड़े हुए अधिकारी इसमें शामिल होंगे। उसमें 2 तरीके से देखा जा रहा है। पहला तरीका ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान चुका है कि जब तक कि रिजर्व बैंक इसे वर्चुअल करेंसी का दर्जा नहीं देता या फिर करेंसी का दर्जा नहीं दे देता तब तक इसे इनटेंजिबल एसेट के तौर पर माना जाएगा और इस पर टैक्स की देनदारी बनेगी और टैक्स की देनदारी बिजनेस इनकम के तौर पर बनेगी, या फिर रेगुलर तौर पर वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है तो फिर वहाँ पर कैपिटल गेंस के तौर पर यहाँ आपको टैक्स देनदारी बनेगी। दूसरी बात यह है कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग को लेकर के अगर कहीं से किसी भी तरह के सर्विसेज मुहैया कराई जा रही हैं तो वहाँ पर क्या GST के तहत टैक्स की देनदारी बनती है कि नहीं बनती है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। क्या विदेशों से पैसा लाया ले जाने का एक जरिया बिटकॉइन तो नहीं बन रहा है, फेमा के तहत लाया जाए कि नहीं लाया जाए, इसकी भी समीक्षा ये कमेटी करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो है फिर तय किया जाए कि आखिरकार आगे चलकर किस तरह का रेगुलेशन बनाया जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखना होगा कि IT विभाग की जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। आप हमारे साथ बने रहिए लक्ष्मण।